इस वक्त मैं SKMCS में हूँ और जहाँ अभी भी लगातार इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों का आने का सिलसिला जारी है और AE से पीड़ित जितने बच्चे हैं सबको फिलहाल यहाँ पे ICU में रखा गया है निको एडमिट। यहाँ पे देखिए लगातार जो बच्चे हैं वो यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं, जो दूर दराज जो गाँव ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से आ रहे हैं और सभी बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। कई गार्जियन हैं जिनसे हम बात करते हैं, सभी बच्चों को एक ही परेशानी है, चमकी बुखार होता है और वो उनकी सांसें टूटने लगती हैं और उसके बाद उन्हें लेकर बाहर आया जाता है। फिलहाल कुछ गार्जियन हैं जिनसे हम बात करते हैं। लोग कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं? डेरा चौक से हैं। डेरा चौक। क्या बच्चे को क्या प्रॉब्लम? बच्चा का तबीयत खराब है, इसमें मरती है। चमकी जो बीमारी नहीं करता है, चमकी बीमारी नहीं करता, चिकता चिकता वही बीमारी पड़ गया। 5 मिनट में ऐसा बात हुआ है। कब लेके आए बच्चे को? बच्चे को आए हमने सवेरे 6 बजे घड़ी में। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था? बस 3:30 बजे के बाद मैं 4 बजे तक इतना प्रमल हुआ है, ऐसा बात का हुआ, बैठने उठने लगा है, दांत तो बैठने लगा है, फिर बच्चे का वो चिकने लगा है, मतलब शरीर पूरा चिकने लगा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ चमकी बुखार कहा जा रहा है इंसेफ्लाइटिस को। और यहाँ पे जो भी पर्सन, आप लोग का बच्चा अंदर बीमार है, उधर फंस रहा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार जो मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। लेकिन अभी तक साथ ही जो बच्चे हैं मरने वालों की तादाद यहाँ SKMCS में 47 पहुँच चुकी है और अभी तक इस बात का हल नहीं ढूंढा गया है ताकि इन बच्चों की जान कैसे बचाई जा सके। News24 की खबर का असर ये हुआ कि जब हम SKMCS में 2 दिन पहले आए थे तो गंदगी का आवार था, चारों तरफ गंदगी थी, बदबदाती नालियाँ थी। लेकिन आज यहाँ पर जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई, ब्लीचिंग पाउडर छिटे गए हैं, साफ़ सफाई किया गया है और बहुत हद तक जो गंदगी का अंबार था उसे दूर करने की कोशिश की गई है। जो बदबदाती नालियाँ थी उन्हें साफ़ किया गया है, क्योंकि News24 ने प्रमुखता से दिखाया था किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ था और जिसके बाद यहाँ पर जो लोग पेशेंट थे वो पेशेंट यहाँ पे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। हालांकि इसकी एक और वजह भी है कि जिस तरीके से संक्रमण को लेके ये बीमारी फैल रही थी और लगातार जिस तरीके से गंदगी यहाँ पे थी उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई हुई है, जिससे लोग जो पेशेंट हैं वो थोड़ी राहत महसूस। साफ़ सफाई हुआ है? हाँ जी, साफ़ सफाई से बहुत है, साफ़ सफाई हुआ है। 2 दिन पहले आया था, बहुत गंदा था, बहुत गंदा था सर। अभी भी साफ़ हुआ है। जब भी कोई ऐसा बात होता है जब भी सफाई होता है, पहले तो होता नहीं। अभी साफ हुआ जी, सुबह से हो रहा है। 2 दिन पहले जब News24 ने खबर दिखाया था चारों तरफ गंदगी था, बदबदाती नालियां थे, लेकिन आज हमें भी तस्वीर बदली लग रही है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ, जो पेशेंट है वो भी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तब स्थिति ये थी कि यहाँ इतनी ज़्यादा बदबू थी कि कोई यहाँ खड़ा होने का नाम नहीं था, इतनी ज़्यादा यहाँ परेशानी लोगों को होती थी। यहाँ पे लगातार बच्चों की मौत हो रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आने वाले थे लेकिन कोई टीम नहीं, कोई नहीं आया है और यहाँ सिर्फ मातम पोषी करने के लिए की बात। सर एक टीम आई अरविंद बाबू की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कोलैप्स है सिस्टम। उन्होंने कहा ट्रामा सेंटर नहीं, ICU नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि लीची से मर रहे, अफवाह फैला जा रहा है। लीची 100 साल पहले भी था, लीची और जगह भी होती है। 13 सालों ये कह देना कि लोकसभा के चुनाव में व्यस्त थे, 13 सालों से कौन लोग चुनाव हो रहा था? 2 दिन पहले कौन चुनाव हो रहा था? गर्मी महीना ही क्यों, और गरीब के बच्चे ही क्यों, मिडिल क्लास के बच्चे। उन्होंने स्पष्ट रूप से मैं कहा कि आप पहले बिहार के इन बड़े बड़े जगहों पर ट्रामा सेंटर, ICU ऐसे चीज़ों को डेवलप करिए, नर्सेस की कमी है। उन्होंने सीधा कहा नर्सेस की कमी है और बेस्ट नर्स नहीं है, डॉक्टर की कमी है। उसको कहा भरपाई आप करवाइए सर। इन्होंने कहा कि ये गलत है, ये अफवाह गलत होती है। और रिसर्च के बारे में उन्होंने सब साफ शब्दों में कहा कि रिसर्च कब, जब यह घटना घटित होने से रुक जाएगा उसके बाद, जब घटना घट रही है तब रिसर्च नहीं, रिसर्च इसके बाद। यही सवाल मैंने कई बार लोकसभा में किया। इन गरीबों के दर्द से कोई लेना देना नहीं, जिनको ये जनता भगवान बना के बैठाती है वही इसको मारती है। एक डकैती होता है तो बंद हो जाता है, एक नेताओं को गोली लगती है तो 3 दिन तक बाजार नहीं खुलता, एक आवाज नहीं निकला 70 मौत के बाद। मेरे सामने में अभी 2 बच्चे मरे हैं, अब भी बम दे करके मार दिया, आया मेरे सामने मां लेकर के, बच्चे जिंदा है उसके बाद मर गया मेरे सामने। ये हॉस्पिटल केजरीवाल, और आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, आप इतना आज तक 13 सालों से आपको पता नहीं चला, 9 सालों से एक अब्दुल कलाम मर रहा है, एक डॉक्टर मर रहा है, ये गरीब ही तो IAS IPS हो रहे हैं। ये अमीर का कौन बच्चा IAS IPS होता है? बॉर्डर पर एक आदमी मरता है तब तो आपको बंदे मातरम और है तो वह नजर आता है, और 30, 60, 70, 100 बच्चे मरते हैं तब कोई आवाज नहीं उठती है। बारे बा
जी मेरी टीम बात हुई, सब कुछ बातें हुई, मेरी पूरा बातचीत हुआ। अभी मेरी एक अभिनंदन गिर गया तो अभिनंदन अभिनंदन, तेरा अभिनंदन चला गया चाइना में तो अभिनंदन का पता ही नहीं। बारे बा ये 100 अभिनंदन का क्या होगा? ये जो 30 बच्चे 70 मर चुके हैं और कितने मरेंगे कहना मुश्किल है, इस बच्चे का, इस अभिनंदन का कौन जवाब देगा? और जिस तरीके की लापरवाही बयान, और अभी तक किसी का नहीं आना खाना पूर्ति करना और मजे में मरने के लिए छोड़ देना भाग भरोसे, ये युद्ध की तैयारी है। और मैं हाईकोर्ट जाऊंगा कल। मुजफ्फरपुर में एंसेफ्लाइटिस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना तो स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आए, ना कि केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। कार्यक्रम जरूर था लेकिन खत्म हो गया, लेकिन नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ भी देखिए कि जो भीड़ लगी हुई है, जो भीड़ आपको हम दिखा रहे हैं, ये भी नेताओं की भीड़ है। फिलहाल यहाँ पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुँचे हैं और लगातार इस तरीके से नेताओं के आने जाने का सिलसिला, तस्वीरें खिंचवाने का सिलसिला, बयान देने का सिलसिला लगातार यहाँ जारी है। लेकिन उन परिजनों के सूद लेने वाला कोई नहीं है जिनके बच्चों की मौत हो गई है और जिनके बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार ये नेता आ रहे हैं, अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं और पक्ष और विपक्ष के नारे लगा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ बीमार हैं उनके हालात कैसे सुधरे और इस बीमारी से रोकथाम के लिए क्या हो, इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, मुजफ्फरपुर न्यूज़ 24।